हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल। माइसेल्फ मोहित गर्ग, आई वेलकम यू ऑल द ऑनलाइन लेक्चर। अवर लेक्चर ऑफ टुडे इज नंबर 8, विच इज फ्रॉम द चैप्टर फर्स्ट, सेट्स ऑफ क्लास प्लस 1। सो लेट्स स्टार्ट द स्टूडेंट्स अवर लेक्चर टुडे। सी स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंटेंट इन दिस लेक्चर। दे विल स्टडी इन दिस लेक्चर फर्स्टली एप्लीकेशन ऑफ सेट्स इन प्रॉब्लम यूजिंग फॉर्मूला, जो कि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर किया था। आज मैं इसके अंदर आपके लिए एक अनदर पार्ट लेकर आ रहा हूं, पार्ट 2, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सेट्स चैप्टर। सेट चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्टूडेंट, जो कि 6 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके पास। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, फर्स्टली आपके पास एग्जाम्पल है स्टूडेंट, देखिए। There are 200 individuals with a skin disorder, 120 had been exposed to the chemical C1, 50 to chemical C2 and 30 to both chemical C1 and C2. Find the number of individuals exposed to, first part निकालना है chemical C1 but not chemical C2, second part अपने to chemical C2 but not chemical C1 and third part chemical C1 and chemical C2. आपको कुछ values given दी हुई है और आपने इसको question को solve करना है। तो देखिए students, मैं आपको question को solve करवा रहा हूँ। इसको मैं दोनों तरीकों से आपको समझाऊंगा, by Venn diagram भी और इसको solving method से भी करेंगे using formula। देखिए कुछ student आपको given क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो C1 C2 है इसको हम A और B let कर लेते हैं, ताकि हम question करने में ज्यादा easy होगा। तो let A denotes the set of individual, exposed to the chemical C1, and B denotes the set of individual to chemical C2. हमने C1 को A से denote कर दिया और C2 को B से denote कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, now according to question आपको क्या क्या given दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है कि there are 200 individual with a skin disorder। टोटल आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है वो आपको दिया हुआ है, means an universal set कितना दिया हुआ है, number of universal set वो आपको दिया हुआ है 200। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास देखो क्या गिवन क्या दिया हुआ है, 120 had been exposed to chemical C1, C1 को हमने डिनोट किया A से, तो मतलब number of element of A कितना आपके पास 120 and number of element of B 50 to chemical C2, means and B आपको गिवन दिया हुआ है 50। ओके स्टूडेंट्स, 32 both chemical C1 and C2, both and आगे देखिए स्टूडेंट, and का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो हम इसका मतलब क्या दिया हुआ है, एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कितना दिया हुआ आपको 30, और आपने फाइंड करना है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, मींस आपने फाइंड करना है ए माइनस बी, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, फिर आपने फाइंड करना है एन बी माइनस ए, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, और केमिकल C1 एंड C2 का मतलब क्या है, केमिकल C1 एंड C2 आपको इधर दिया हुआ है 32 बोथ केमिकल C1 एंड C2, और आपने फाइंड करना है केमिकल C1 एंड C2 दोनों का, मतलब A यूनियन B आपने ये फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको आपको निकालना क्या है, आप देखिए सारी वैल्यू गिवन दी हुई है, अब इसको अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट, नाउ देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास स्टूडेंट्स, कि आपने फाइंड करना है ए माइनस बी, मतलब केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2 को हम किससे नोट करेंगे, ए माइनस बी से। मैंने आपको इसका फार्मूला बताया है कि ए में से इन दोनों के एलिमेंट मतलब इंटरसेक्शन क्या करेंगे हम माइनस कर देते हैं, तो आपने पास क्या आता है ए माइनस बी। अब एन ए की वैल्यू आपको गिवन दी हुई है 120 और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 30, तो इधर पुट करेंगे तो 120 माइनस 30 तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट इसका 90। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपने फाइंड करना है एन ऑफ बी माइनस ए,
मीन्स एन ऑफ बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, एन बी आपको गिवन दिया हुआ है कि कितने एलिमेंट है 50, एन बी के अंदर 50 एलिमेंट है, माइनस बी इंटरसेक्शन ए का मतलब 30, या ए इंटरसेक्शन बी लिख लो चाहे बी इंटरसेक्शन लिख लो एक ही बात है, तो ये आपके पास आ जाएगा 20, दो टू पार्ट्स का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखिए आपके पास, थर्ड पार्ट क्या निकालना है आपने, ए यूनियन बी मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आपके पास गिवन है 120, बी के एलिमेंट है 50 और इसके एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी के 30। इसको सोल्व करेंगे तो 170 माइनस 30 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 140। ओके स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको फार्मूले से करवाया है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको पूरे क्वेश्चन को डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आपको करवाता हूँ। देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर करना है तो अल्टरनेट मेथड, दोनों मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। देखिए सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे, ओके स्टूडेंट्स, ये ले लिया मैंने ए और दूसरा सेट ले लेता हूं बी, ठीक है स्टूडेंट, इसके लेट कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ए, ए के एलिमेंट आपको गिवन दिए हुए थे, नंबर ऑफ ए में एलिमेंट कितने थे 120, मींस इस पूरे देखो ग्रीन जो सर्कल किया मैंने ग्रीन वाला, उसके अंदर एलिमेंट है कितने 120 और बी में आपके पास एलिमेंट थे 50, मतलब ये ब्लू सर्कल में आपके पास एलिमेंट कितने हैं 50 और इनका इंटरसेक्शन गिवन दिया हुआ है 30, मतलब ये वाला पार्ट जो ये बी मैंने लिखा है, ये वाला पार्ट ये आपको कितना दिया हुआ है 30। आगे बात देखिए, अब आपने ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है ओनली ए और सी का मतलब क्या है ओनली बी। देखिए सी का मतलब ये वाला पार्ट है, मैं आपको डार्क करके दिखाता हूं, ये वाला पार्ट सी का इतना जिसमें बी नहीं आएगा, और ऐसी ए वाला पार्ट जो है वो इतना है, ठीक है स्टूडेंट, और जो बी वाला पार्ट है वो कॉमन पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये आपको गिवन दिया हुआ ए इंटरसेक्शन बी। ए का मतलब क्या है, इसका ए इज इक्वल टू ओनली ए का मतलब क्या है ए माइनस बी, और इसका मतलब क्या है बी, इसका मतलब है बी माइनस ए, बी का इसका मतलब है सी, आपको ये दिया हुआ है सी, ओनली बी का मतलब क्या है सी पार्ट, ठीक है जो मैंने सी लेट किया है। अब देखिए आपने ए निकालना है, एक ए कैसे निकलेगा, ए पूरे ए में से बी के एलिमेंट को माइनस करना है, बी के एलिमेंट मतलब ये वाले पार्ट, मतलब ये पार्ट माइनस, ये 120 है सारा ग्रीन वाला पार्ट, ग्रीन वाले पार्ट में 30 माइनस कर दो, तो फर्स्ट पार्ट आपका आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी में, कि ए में से बी के एलिमेंट को क्या करना है माइनस, मतलब 120 माइनस 30 तो ये आपका पास आ जाएगा 90। एस सी कैसे निकलेगा, इस पूरे B में से ये वाले एलिमेंट को क्या करेंगे माइनस, तो N ऑफ B माइनस A कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, कि टोटल एलिमेंट 50 है B में और ये वाले एलिमेंट कितने कॉमन वाले 30, तो मींस 20 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब थर्ड पार्ट आपके पास, ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट में यूनियन, N ऑफ A यूनियन B, यूनियन मतलब A प्लस B प्लस C, मतलब तीनों का प्लस कर दो A प्लस B प्लस C, A की वैल्यू आपके पास आई है 90, B की वैल्यू आपके पास आई है 20 और C A माइनस इंटरसेक्शन B कितना है 30, मींस 90 प्लस 20 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 110 प्लस 30 140। इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, दिस इज अल्टरनेटिव मेथड फॉर वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने इस क्वेश्चन को आपको सोल्व कराया है। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम वेन डायग्राम की कोडिंग ही करेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। देखिए ये क्वेश्चन दिया होता, पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, नोटेशंस को लिखोगे कौन कौन सी वैल्यूज आपको गिवन दी हुई है और साथ में देखोगे आपने फाइंड क्या करना है, फिर इसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला लगाते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसको मैंने आपके साथ वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग भी मैंने इसको सोल्व करवा दिया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड 25 पीपल रीड न्यूज एच, देखिए टोटल आपके पास 60 पीपल है, इनमें 25 पीपल रीड न्यूज एच करते हैं, 26 रीड पीपल न्यूज पेपर ऑफ टी और 26 रीड न्यूज पेपर ऑफ आई,
नाइन रीड बोथ एच एंड आई, एच एंड आई नाइन है, इलेवन रीड एच एंड टी, एट रीड टी एंड आई, थ्री रीड ऑल दी थ्री न्यूज़पेपर, ये सारी वैल्यूज गिवन दी है। सबसे पहले हम इस सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं, लिखिए सॉल्यूशन। देखिए टोटल आपके पास यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है, कितने पीपल है, 60 पीपल है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए कहता 25 पीपल रीड न्यूज पेपर एच, तो सीधा लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू कोस्टल कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी एच कितने आपके पास, 25। 26 रीड न्यूज पेपर टी, मतलब एन ऑफ टी आपको गिवन दिया हुआ है 26, और नंबर ऑफ न्यूज पेपर ऑफ आई, आई आपको दिया हुआ है 26। ओके स्टूडेंट्स, एच एंड आई अब आपको दिया हुआ है एच एंड आई, मतलब एच इंटरसेक्शन आई, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई आपको गिवन दिया हुआ है एच एंड आई 9। दूसरा दिया हुआ एच एंड टी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच एंड टी वो आपको कितना दिया हुआ है 11। फिर दिया हुआ है नंबर ऑफ टी एंड आई आपको गिवन दिया हुआ है ये 8। थ्री रीड ऑल दी थ्री न्यूज पेपर, तीनों के तीनों अगर वो पढ़ते हैं, मतलब कॉमन तीनों का एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये आपको गिवन दिया हुआ है 3। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड करना है दी नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज पेपर, कम से कम एक न्यूज पेपर वो अगर वो पढ़े, दी नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज पेपर। देखिए दोनों का मीनिंग मैं आपको बैंड ड्रैगन कोडिंग बताऊंगा, ये कहना क्या जाता है, मीन्स आपको ये सारी वैल्यू गिवन दी हुई है, तो आप एक वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बहुत इजी समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेन डायग्राम को बनाते हैं ताकि आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए ये ए पार्ट है, दिस इज ए सेकंड पार्ट एंड दिस इज ए, थोड़ा टेढ़ा बन गया तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है सुन, ये एच मान लेता हूं, ये एच मान लेते हैं, ये टी मान लेता हूं और इसको आई। ओके स्टूडेंट्स, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एच आपको गिवन दिए हुए हैं 25, टी में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास 26, आई में एलिमेंट है 26, इसको लेट कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको लेट कर लेता हूं, ये वाला पार्ट डी है, ये पार्ट ई है, और ये पार्ट एफ है, और ये पार्ट जी है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने लेट कर लिए। अब आपने देखिए स्टूडेंट्स, ए मतलब ओनली एच, बी मतलब ओनली टी, सी मतलब ओनली आई, डी प्लस जी का मतलब क्या है, टी एंड, देखिए ये वाला पार्ट कौन सा है, टी एंड एच, एफ प्लस जी का मतलब क्या है, एच एंड आई, जी प्लस सी का मतलब है टी प्लस आई। ओके स्टूडेंट, अब देखिए मैंने ये तो सारे लेट कर लिए, आपको गिवन दिए हुए हैं कि एच एंड टी, देखिए आपको गिवन क्या क्या दिया हुआ है, यहां पर दोबारा से लिख रहा हूं, नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 25, नंबर ऑफ एच आपको कितना दिया हुआ है 25, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, ए प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, ए प्लस डी प्लस जी प्लस एफ आपको गिवन दिया हुआ है 25, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन मान लो। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, नाउ एन टी नंबर ऑफ एलिमेंट इन 26 दिया हुआ है, टी का मतलब बी डी जी ई, बी प्लस डी प्लस जी प्लस ई इज इक्वल टू आपके पास कितना दिया हुआ है 26, ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन होगी। ओके स्टूडेंट, अब थर्ड देखते हैं, थर्ड में लिख लेते हैं, नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आई कितना है 26, इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, आई में सी एफ डी और ई इन तीनों का सम ये आपको गिवन दिया हुआ है 26, दीज आर थर्ड इक्वेशन। एंड फोर्थ इक्वेशन क्या बनेगी, आपको और क्या गिवन दिया हुआ है, एन एच एंड आई 9 दिया हुआ है, एच एंड आई, एच इंटरसेक्शन आई कितना है 9,
एच एंड आई, एच ई ए आई ए, मतलब एफ प्लस जी, एफ प्लस जी आपको गिवन दिया हुआ है 9। दीज आर फोर्थ इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नाउ और क्या गिवन दिया हुआ है, एच एंड टी, एच एंड टी आपको गिवन दिया हुआ है, एच एंड टी इज इक्वल टू 11। एच ओ टी, देखो एच ई है, टी है, डी प्लस जी, ये आपके पास 11 है, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 5। और नाउ अब देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपको क्या गिवन दिया हुआ है, टी एंड आई, टी एंड आई ये आपको गिवन दिया हुआ है आपके पास 8, मतलब जी प्लस ई, जी प्लस ई आपको गिवन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, जी प्लस ई 8। दीज आर 6 नंबर इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, और तीनों का इंटरसेक्शन जी की वैल्यू दी हुई है। एंड नाउ एन इंटर एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई आपको कितना दिया हुआ है, 3, मींस आपको दिया हुआ है देयर फॉर जी इज इक्वल टू 3। जी की वैल्यू 3 दी हुई है स्टूडेंट्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपके पास ये क्वेश्चन बन गई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, आप सभी वैल्यूज के अंदर एक एक पुट करते हैं। पहले जी की वैल्यू 3 दी है, अगर जी की वैल्यू 3 इधर पुट करता हूं तो एट ई की वैल्यू आ जाएगी यहां से, डी की वैल्यू यहां से ई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जी पुट करता हूं, पुट जी इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 6, तो जी की वैल्यू 6 पुट करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 3 प्लस ई इज इक्वल टू ए, तो देयर फोर ई की जो वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ई आपके पास आ गया स्टूडेंट 5। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें पुट करेंगे डी के अंदर, तो डी प्लस जी, अब मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं, नाउ क्या चीज है, डी प्लस जी इज इक्वल टू 11, डी प्लस जी इज इक्वल टू 11, आपके पास जी की वैल्यू 3 थी, पुट कर देते हैं, तो देयर फोर डी प्लस 3 इज इक्वल टू 11, तो d की जो वैल्यू आएगी आपके पास आ जाएगी 11 माइनस 3, d इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 8। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से आप क्या करोगे, इसमें पुट करोगे f प्लस g इज इक्वल टू 9, तो f प्लस 3 इज इक्वल टू 9, f की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9 माइनस 3, देयर फोर f इक्वल टू 6। ओके स्टूडेंट्स, d 8 आ गया, f 6 आ गया, और आपके पास E की वैल्यू 5 आ गई, G की वैल्यू 3 है, इधर पुट कीजिए। अगर मैं इधर पुट करता हूँ तो A की वैल्यू देखो क्या आएगी, A इक्वल टू 25, D अपने पास कितना आया है स्टूडेंट्स, D की वैल्यू आई है 8, F की वैल्यू आई है 6, मैं लिख लेता हूँ D इज इक्वल टू 8, F इज इक्वल टू 6। अब इधर पुट करिए, 25 माइनस 6, G आपके पास 3 है और F आपके पास 6 है, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो A की जो वैल्यू आएगी 26 में से 15 माइनस कर दो तो आपके पास ए की जो वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू 3, ई की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 8, एफ की वैल्यू 6, तो आप पुट कीजिए ए की वैल्यू निकालने के लिए, 8 प्लस डी की वैल्यू 8 है स्टूडेंट, यहाँ पे डी की वैल्यू 8 है, 8 माइनस 3 माइनस 6, तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8, 8 3 14, 14 में 14 3 17, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 8। जब आप इसमें पुट करोगे तो b इज इक्वल टू 26 माइनस d की वैल्यू 8 है, g 3 है और e 5 है, जब b की वैल्यू आप निकालोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12, तो देयर फोर b इज इक्वल टू कितनी आएगी 12, b इज इक्वल टू 26, 8 3 11 और 5 16, 16 में सभी में 16 गए 10, b की वैल्यू आ गया आपके पास 10। और जब इसमें पुट करोगे तो C की जो वैल्यू आएगी आपके पास आ जाएगी 26 में से F प्लस G प्लस E, F कितना है 6 है, G आपके पास 3 है और E आपके पास 5 है, तो 6 प्लस 5 11, 11 में 3 के 11 प्लस 3 14, तो ये आपके पास आ जाएगा C इज इक्वल टू 12। ओके फ्रेंड्स, ये आपने सारी वैल्यूज को आपने लिख दिया, तो मीन्स अब वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए, A आपके पास कितना आया, A आपके पास कितना आया है 18, 8,
बी आपके पास कितना आया है 10, सी आपके पास कितना आया स्टूडेंट्स 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ए का मतलब क्या स्टूडेंट्स, यहां पे बता देता हूं, ए का मतलब है ओनली एच, ओनली एच इक्वल टू क्या ए, मतलब ओनली एच का मतलब क्या है, सिर्फ एच तो है, टी ना तो टी है ना तो आई है, तो इसका जो आंसर आएगा अगर ये इसमें पूछा हो कि एच इंटरसेक्शन एच से तो लिख दो एच माइनस टी माइनस आई, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ गया 8। ऐसी ओनली बी का मतलब क्या है ओनली टी, इसका आंसर आ गया 10, और ओनली सी इसका मतलब क्या है ओनली सी, ओनली टी मतलब ओनली आई, इसका आंसर आ गया बस 12। अब देखिए स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है देखते हैं, कहते हैं कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर अब उसने क्या करना है पढ़ना है, तो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो ये सारे एलिमेंट को हम प्लस कर देंगे ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे तीनों को हम क्या करेंगे एच टी और आई को प्लस कर देंगे, मीन्स कैसे करेंगे देखिए, नाउ फर्स्ट पार्ट क्या बोला है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो इसका मतलब क्या है सभी के सभी प्लस कर देंगे ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इन सभी की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा 8 प्लस 10 प्लस 12, डी अपने ने 8 निकाला था, ई अपने ने 5 निकाला था, एफ अपने ने 6 निकाला था और जी अपने ने 3 निकाला था, इन सभी को प्लस करोगे स्टूडेंट आपके पास कितना आ जाएगा आंसर 52। इसका मतलब है स्टूडेंट तीनों का यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके स्टूडेंट सेकेंड पार्ट देखिए क्या कहता है, सेकेंड पार्ट के अंदर पूछा उसने द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर उसने क्या करना है पढ़ना है, तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट क्या पूछा है कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, वन न्यूज एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर का मतलब क्या स्टूडेंट्स ओनली फॉर ये पार्ट्स ए बी एंड सी, इन दोनों को प्लस कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब क्या है 8 प्लस 10 प्लस 12, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास ओनली 30। ठीक है स्टूडेंट्स आपके पास टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 60 थे, 60 में से 60 में से ये आपके पास क्या आ गया आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आपके अलावा इसके अलावा और कुछ पूछा होता कि ओनली एच फाइंड करो तो इस तरीके से निकाल सकते हो ओनली टी ओनली आई, अगर उन्होंने एच एंड आई एच एंड टी पूछा तो एफ प्लस जी निकाल लोगे ई प्लस जी डी कुछ भी निकाल सकते हो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग, ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आपने ये वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि इसी तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सॉल्यूशन कहता है कि इन सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले हम वैन डायग्राम बना लेते हैं, एक वैन डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ए बी एंड सी, इसको ए लेट कर लेते हैं, इसको बी लेट कर लेते हैं और इसको सी लेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स अब करना है क्या स्टूडेंट्स, इसको मैं सेम इसी तरीके से दिस इज ए बी सी पिछले क्वेश्चन की तरीके से करूंगा डी ई एफ एंड जी, सेम मैंने ये चीज ले लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए देखिए इधर लिख लेता हूं नाउ
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने दिए हुए स्टूडेंट्स आपको 21, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड आपको क्या दिए हुए हैं 26 लाइक प्रोडक्ट बी, एन बी की वैल्यू 26 है और एन सी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 29। फिर आपको कहता है कि 14 पीपल लाइक ए एंड बी, ए एंड बी आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स 14। फिर आपको दिया हुआ है 12 पीपल लाइक सी एंड ए, सी एंड ए आपको कितना दिया हुआ है 12, एक आइटम बीच में रह गई। 15 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, बी एंड सी आपको गिवन दिया हुआ है 15। और आपको गिवन क्या दिया हुआ है, एंड 8 पीपल लाइक ऑल दी थ्री प्रोडक्ट, तीनों के तीनों मतलब तीनों इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपको कितना दिया हुआ है 8। आइए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं। एन ए का मीन क्या है स्टूडेंट्स, ए डी जी प्लस एफ, ए प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, ये आपको कितना गिवन दिया हुआ है 21। एन बी का मतलब क्या है, बी प्लस डी प्लस जी प्लस ई, बी प्लस डी प्लस ई प्लस जी आपको कितना गिवन है 26। एन सी का मतलब क्या है, सी प्लस एफ प्लस जी प्लस ई, सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी आपको कितना गिवन दिया हुआ है 29। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब डी प्लस जी, डी प्लस जी आपको गिवन दिया हुआ है 14। सी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या है, सी एफ प्लस जी, एफ प्लस जी आपको गिवन दिया हुआ है 12। और लास्ट बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, जी प्लस ई, ई प्लस जी कितना दिया हुआ है 15। और इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन मतलब क्या है, जी, जी गिवन दिया हुआ है आपके पास 8। ये वैल्यू इधर पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा e इक्वल टू 15 माइनस 8 इज इक्वल टू, e की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्टूडेंट 6। ये एक b इंटरसेक्शन c दिया हुआ है स्टूडेंट 14, गलती लिखी हुई है इधर, b इंटरसेक्शन c की वैल्यू आएगी 14। चलो अपने 15 से करते हैं, 14 लाइक प्रोडक्ट a एंड b है, चलो अपने इससे करते हैं 15 से करते हैं, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 8 ई की वैल्यू आ जाएगी 7। ओके स्टूडेंट्स, आप 14 ही कर लो स्टूडेंट, इधर 14 ही आएगा, दिस इज क्वेश्चन रॉन्ग है, इधर 14 है तो मैं सही कर रहा हूं, ये 14 है, दीज आर ये 14, यहाँ पे 14 आएगा, मैं रब नहीं कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये 14 है तो इधर 14 आएगा, 14 माइनस 8 इधर अपने पास आएगा 6, तो e इज इक्वल टू कितना आ गया 6। क्वेश्चन रॉन्ग है स्टूडेंट थोड़ा सा, इधर 15 नहीं है, इधर 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट b एंड c है, तो e प्लस g कितना आ जाएगा 14। ओके स्टूडेंट्स, e की वैल्यू 6 आ गई, अब इधर आ जाइए, तो अब इधर पुट करेंगे 8, तो f की जो वैल्यू आएगी 12 माइनस 8 इज इक्वल टू, तो देयर फोर f की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 4। इसी तरीके से जब इधर आप पुट करोगे जी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 माइनस 8, तो देयर फोर डी इज इक्वल टू 6। डी एफ ई आ गया, अगर जी भी आ गया, इधर पुट करो ए की वैल्यू कितनी आएगी 21 में से माइनस करना है डी प्लस जी प्लस एफ, डी प्लस जी प्लस एफ माइनस कर दो, डी 6 है, एफ 4 है और जी 8 है, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 8 18, ये आ जाएगा 3। यहाँ पे बी की जो वैल्यू आएगी डी 6, ई आपके पास 6 है 12, 12 प्लस 8 14, 26 में से 14 माइनस कर दोगे आपके पास 12 आ जाएगा, और इस तरीके से सी आपके पास आ जाएगा 29 माइनस ई 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, तो ये आपके पास आ जाएगा 11। ओके स्टूडेंट, आइए आप क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कितना है, मींस ए आपके पास कितना आया स्टूडेंट्स 3, ये आपके पास 3 आया है, बी आपके पास 12, ये वैल्यू 12 है, और इसके बाद सी आपके पास कितना है 11, मींस सी कितना है आपके पास 11,
इसका मतलब है ओनली ए, ओनली सी, इसका मतलब है ओनली बी, और इसका मतलब क्या है ओनली ए। ठीक है स्टूडेंट, आगे पास पूछा था हाउ मेनी पीपल आर सर्वेड इन ऑल, सारे के सारे कितने सर्वे करते हैं को देखिए, मतलब सभी के सभी ए यूनियन बी यूनियन सी निकालोगे तो फर्स्ट पार्ट मैं इधर ही करा रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब उन सभी को ऐड कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस ई। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ए की वैल्यू आपके पास 3 है, ये 12 है और ये 11 है, डी आपके पास आया था डी 6 + 4 + 8, इन सभी को प्लस कर दो, 12 + 3 = 15, 15 + 11 = 26, 26 + 12 = 26 + 6 = 32, 32 + 6 = 38, 38 + 4 = 42, 42 + 8 = 50, तो ये सारे आपके पास कितने आ जाएंगे 50। ओके स्टूडेंट्स, और सेकंड पार्ट उसने पूछा है लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, ओनली सी मतलब सी माइनस ए माइनस बी, तो किसकी कुल आया, ये देखिए सी इक्वल टू सी, ये आपके पास आया 11। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इस सी का मतलब आपके पास क्या है ओनली फॉर 11। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करते हुए इसको सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन। अब मैं सारा सोल्व नहीं करूंगा स्टूडेंट, आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ फोर्थ और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के अंदर, पर जैसे हमने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन किया है सेम इसी तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको सारा हिंट दे देता हूँ, फटाफट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए टोटल 100 स्टूडेंट है, मतलब नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट आपको कितना दिया हुआ है 100। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टडिंग द वेरियस लैंग्वेज बट टू बी फाइंड इंग्लिश ओनली 18, इंग्लिश ओनली दिया हुआ है, इंग्लिश ओनली का मतलब क्या है स्टूडेंट, इंग्लिश माइनस कौन कौन सब्जेक्ट है, इंग्लिश हिंदी और संस्कृत, ई माइनस एच माइनस एस आपको कितना दिया हुआ 18। उसके बाद दिया है इंग्लिश बट नॉट हिंदी, मतलब ई माइनस एच, ये आपको कितना दिया हुआ है 23। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास देखिए क्या गिवन है, इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत आपके पास कितना है 8, फिर इंग्लिश एंड ई आपको कितना दिया हुआ है 26, संस्कृत दिया हुआ है आपके पास 48, उसके बाद आपके पास है संस्कृत एंड हिंदी एस एंड टी, ये आपको दिया हुआ 8। नो लैंग्वेज का मतलब है कि तीनों का यूनियन का डैश ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश इक्वल दिया हुआ 24। देखिए डैश कैसे निकालते हैं हम, डैश किस तरीके से निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से इसके एलिमेंट को माइनस करके, यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस कर देता हूँ तो आपके पास यूनिवर्सल सेट 100 है, तो आपके पास यूनिवर्स तीनों का जो यूनियन आएगा वो कितने किसके इक्वल आ जाएगा 76 के, तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 76 के। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट आ गया, आप क्या करना है वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, मैं आपको वेन डायग्राम भी बना देता हूँ फटाफट, सोल्व अपना करोगे स्टूडेंट, मैं इसका आंसर आपको सीधा ही लिखवाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन को, दिस इज ए इंग्लिश मान लेते हैं, ये हिंदी मान लेते हैं, और ये वाला जो पार्ट होगा वो संस्कृत मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये ए बी सी डी ई एफ एंड जी, तो इसमें स्टूडेंट आपको गिवन क्या दिया हुआ है कि ए जो आपके पास वैल्यू है, देखिए ए ये आपको गिवन दिया हुआ है, ये की वैल्यू क्या है 18, इसका मतलब क्या है ओनली फॉर ई, ये 18 है। ठीक है स्टूडेंट, ए प्लस ई, मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, एस आपके पास गिवन आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्टूडेंट, आप फाइंड करोगे तो 5,
जी आपके पास आ जाएगा 3, डी आपके पास आ जाएगा 0, एफ आपके पास आ जाएगा 5, सी आपके पास आ जाएगा 35, और आपके पास ए 18 है, बी आपके पास, अब देखिए बी कैसे निकलेगा इस पूरे एच में से अगर तीनों को माइनस कर दे। देखिए एन ऑफ एच आपको गिवन नहीं दिया हुआ, ये भी फाइंड करना है हमने। एन एच कैसे निकलेगा, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन ऑफ एच, एन ऑफ एच में क्या है, बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, बी की वैल्यू आपके पास 0 है, ए प्लस बी की वैल्यू 10 आएगी स्टूडेंट्स, आप फाइंड करना 10 प्लस 0 प्लस जी की वैल्यू 3 है, एफ की वैल्यू कितनी आएगी, एफ की वैल्यू 5, तो एन एच आपके पास आ जाएगा 18। यही इसने पूछा था, फर्स्ट पार्ट ये था एन ऑफ एच, और सेकंड पार्ट आपके पास है एन ई इंटरसेक्शन एच, ई इंटरसेक्शन एच, ई और एच मतलब, ई और एच मतलब डी प्लस जी, डी आपके पास 0 है, जी आपके पास 3 है, तो आपके पास रहेगा 3। ठीक है, चलो ये सभी वैल्यू आप निकाल लोगे अपनी तरीके से, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में करवाया था, ये सारी वैल्यू गिवन दी हुई है, सभी के अंदर लिखोगे e माइनस एच मतलब a, e माइनस एच का मतलब क्या है, e माइनस एच का मतलब आप देखोगे e और h, e इंटरसेक्शन h। ठीक है चलो, आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आप क्वेश्चन को e प्लस e आ जाएगा। देखिए e माइनस एच मतलब e, तो e में से h को निकालना है, h मतलब ये निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप बनाना चाहते हो तो मैं आपको क्वेश्चन भी बना देता हूँ, कौन कौन सी बनेगी, पहली क्वेश्चन ए इज इक्वल टू 18, दूसरी ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बनेगी ए प्लस ई इज इक्वल टू 23, दीज आर सेकंड क्वेश्चन, फिर उसके बाद बनेगा ई प्लस जी इक्वल टू 8, दीज आर थर्ड क्वेश्चन, फिर बनेगा ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई इक्वल टू 26। ये स्टूडेंट्स ये सारी जो वैल्यू गिवन दी हुई है, ये सभी वैल्यू इन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपको आप ये लिख रहा हूँ, देखिए a प्लस डी प्लस जी प्लस ई इक्वल टू 26, फिर e प्लस एफ प्लस जी प्लस सी आपको दिया हुआ 48, और लास्ट g प्लस एफ आपको दिया हुआ 8। ठीक है स्टूडेंट, ये सारी वैल्यू है, आप इनके अकॉर्डिंग सोल्व करते हुए ये सारी वैल्यू आ जाएगी आपके पास e g d e f c a b g की, तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे एन एच और एन ई इंटरसेक्शन एच के अंदर, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। आपने ये क्वेश्चंस, ये जो वैल्यूज है आपने अपना निकालनी है, डू योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सॉल्यूशन, देखिए कहते हैं 100 पीपल दिया है टोटल, मतलब एन ऑफ यूनियन, एन यूनियन दिया हुआ आपके पास 100। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन देखिए, वेन डायग्राम बनाते हैं पहले, यहाँ नेक्स्ट पेज में इसकी वैल्यू को लिखेंगे। देखिए तीन मैगजीन आपके पास, तीनों मैगजीन हम ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज ए बी एंड सी, और इनके एलिमेंट लिख लेते हैं ए, इधर बी, इसको सी, इसको मान लेते हैं डी, ई, एफ और ये जी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आपके पास गिवन क्या क्या दिए हैं, 100 पीपल दिए हैं टोटल, मतलब यूनिवर्स सेट, यूनिवर्सल सेट आपको कितना दिया हुआ है 100। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आगे देखते हैं, 28 रीड न्यूज मैगजीन, मैगजीन ए मतलब एन ऑफ ए आपको दिया हुआ है 28। उसके बाद क्या कहता है, 30 रीड मैगजीन बी, 40 रीड मैगजीन सी, मतलब एन बी आपको गिवन दिया हुआ है 30 और एन सी दिया हुआ है, एन बी आपको गिवन दिया हुआ है 30 और एन सी आपको गिवन दिया हुआ है 42। नेक्स्ट 8 रीड मैगजीन ए एंड बी और 10 ए एंड सी, ए एंड बी आपको दिया हुआ है 8 और बी ए एंड सी आपको गिवन दिया हुआ है 10। नेक्स्ट देखते हैं
फाइव रीड मैगजीन बी एंड सी एंड थ्री ऑल दी थ्री मैगजीन। बी एंड सी आपको दिया हुआ है फाइव और तीनों की तीनों मैगजीन्स दी हुई आपको थ्री। आइए अब देखते हैं एन ए का मतलब क्या है। ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई, ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई आपको 28 दिया। नेक्स्ट बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, बी प्लस जी प्लस डी प्लस एफ आपको दिया हुआ है 30। 42 देखिए क्या गिवन दिया हुआ है, एन सी ई जी एफ सी, ई जी एफ एंड सी कितना दिया हुआ है 42। ए एंड बी, ए एंड बी डी प्लस जी, डी प्लस जी आपको दिया हुआ है 8। ए एंड सी, ए एंड सी का मतलब क्या है, ई प्लस जी, ई प्लस जी आपको दिया हुआ है 10। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं आपके पास फाइव रीड बी एंड सी। बी एंड सी मतलब जी प्लस एफ, ये दिया हुआ है जी प्लस एफ कितना दिया हुआ है 5 और तीनों के तीनों की जो कॉमन पार्ट है वो क्या है जी, जी की वैल्यू गिवन दी हुई है आपके पास 3। ये वैल्यू इधर पुट करेंगे तो देयर फॉर एफ की जो वैल्यू आएगी आपके पास स्टूडेंट कितनी आ जाएगी 2। इधर पुट करेंगे जी की वैल्यू तो ई की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7। इधर पुट करेंगे जी की वैल्यू तो डी की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 मतलब 5, डी की वैल्यू आ जाएगी 5। इधर पुट करेंगे तो सी की जो वैल्यू आएगी तो आ जाएगी 42 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 30 और यहाँ से बी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 30 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू 20 और यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी 28 माइनस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 30। ये सारी वैल्यूज आ गई। अब देखिए सुन, आपने आपको पूछा क्या है, आपके पास ए की कितना आ गया 13, बी कितना है 20 और सी 30, बी 20 और सी कितना है 30। कहता हाउ मैनी रीड नन ऑफ दीज मैगजीन, नन ऑफ दीज मैगजीन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट पार्ट हाउ रीड नन ऑफ दीज मैगजीन का मतलब क्या है, तीनों की यूनियन का डैश। इसको कैसे करेंगे, डैश कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से तीनों का यूनियन क्या करेंगे माइनस। ठीक है स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट कितना आने वाला 100 और तीनों का यूनियन, यूनियन मतलब ए प्लस बी इन सभी का सम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, आप सॉल्व करो इन सभी का सम कर देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ, सभी प्लस कर दो, 13 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 3, 30 प्लस 20 50, 50 और 13 63, 63 प्लस 5 68, 68 और 2 70, 70 और 77, 70 और 3 80, तो आपके पास कितना आ जाएगा 20। ये आपके पास क्या आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर देखिए स्टूडेंट्स, कहता हाउ मेनी रीड मैगजीन सी ओनली, सी मैगजीन ओनली मतलब सी तो होना चाहिए ना तो ए ना तो बी, ये आपने फाइंड कर लिया ओनली सी, ये किसी को है सी के, ये वैल्यू आई है 30, तो ये आपके पास क्या आ गया 30। ठीक है स्टूडेंट, ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर कोई भी वैल्यू पूछे ओनली ए पूछता तो 13 आ जाएगा, ओनली बी पूछेंगे तो 20 आ जाएगा। इस तरीके से आपने वेन डायग्राम में कोडिंग क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आपने वेन डायग्राम में कोडिंग आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है और अगर आपको फार्मूले रीड हैं तो फार्मूले के अकॉर्डिंग भी आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।